हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हम डिटेल सिलेबस एनालिसिस करा रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर वे में कराया जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि चारों के चारों सब्जेक्ट्स का हमने एक डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी हमने कम्प्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि एक सेपरेट जो है इन सब्जेक्ट्स को लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनका हम डिटेल्ड वे में जिनको हम एनालिसिस करेंगे विथ देयर सब टॉपिक्स। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमने हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर ली है, सिविक्स कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर ली है, एंड दिस लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इस सीरीज में जो हमने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन की जो सीरीज स्टार्ट की थी हिस्ट्री से, वो अब इकोनॉमिक्स पे जाके खत्म होगी। तो इकोनॉमिक्स का हम एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इसमें देखना है। तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, उस पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो हमारा पहला चैप्टर है, दिस इज डेवलपमेंट। अब देखो नाम से ही लग रहा है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो विकास, लेकिन सिर्फ विकास बोल देने से ही ये नहीं होता। डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जिसको हमें समझना होगा कि इन रियलिटी व्हाट इज डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, कि डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या कर रहा है, एंड डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। अब देखो अपने सराउंडिंग्स में आप जैसे आसपास लोगों को देख रहे होगे कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कुछ लोग आपको ओनर दिखेंगे, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ बैंकर्स हैं, इनफैक्ट कुछ शॉपकीपर्स मिलेंगे आपको, कुछ वर्कर्स मिलेंगे, कुछ लेबरर्स मिलेंगे, कुछ फार्मर्स मिलेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग हमारे यहाँ हैं उनके लिए एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है। अगर हम सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल लें, एक वर्कर का एग्जाम्पल लें, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसको एक प्रॉपर जो है उसको वेज मिल रहा हो, बेटर कंडीशन, उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही हो, बेटर सैनिटेशन की पूरी अरेंजमेंट हो, उसके बच्चों को क्या हो, एक बेटर फैसिलिटी मिले एजुकेशन में, तो उनके लिए क्या होगा, एक वर्कर के लिए यही होगा डेवलपमेंट। बट अगर हम इसी क्राइटेरिया को किसी ओनर या किसी बैंकर के ऊपर लागू करें, क्या उनके लिए ये डेवलपमेंट होगा? नहीं, उनके लिए डेवलपमेंट का जो लेवल है वो थोड़ा इससे हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे सोसाइटी में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स हैं, उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो भी क्या है, वो भी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम क्या है, इनकम तो आपको पता है कि कैसे भी लोगों, इनकम तो सबका डेवलपमेंटल गोल होगा ही होगा, बट इनकम के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, इनकम तो होना ही चाहिए, एक प्रॉपर इनकम। उसके बाद क्या होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी तो हमें होनी चाहिए। मान लो आपको कोई काम करने को दे दिया जाए और आपको इनकम ज्यादा मिल रही हो, बट उसमें आपको कोई जॉब सिक्योरिटी ना मिल रही हो, उसके बाद आपको घर से दूर जाके भी वो जॉब करनी पड़ रही है, तो फिर क्या हुआ, आपको ये भी चाहिए ना कि इनकम के साथ साथ हमारी जॉब सिक्योरिटी की भी जो फैसिलिटी है वो हमें मिले। तो इनकम के अलावा भी कई सारे गोल्स होते हैं, तो वो चीजें हम इस टॉपिक में आपको डिटेल्ड वे में बताएंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। अब हम एक नेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे हर वैरायटी ऑफ लोग जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनके लिए जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक वाइडर रेंज के जो लोगों के लिए उसका जो इम्पैक्ट हो वो बेटर इम्पैक्ट हो। ठीक है, एक फेयर और जस्ट डेवलपमेंट हो फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट में आएगा। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको हम कंपेयर कैसे करें। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ किसी कंट्री की जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी की पॉपुलेशन कम है, कोई आइलैंड कंट्री है, कोई लैंडलॉक कंट्री है, सिर्फ यही सारे हमारे क्राइटेरिया नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे क्या हो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिससे हम डिफरेंट जो कंट्रीज हैं या डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वो सेम वही
कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कंपैरिजन के। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की होती है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, तो ये सारे भी अदर क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को क्या है कंपेयर कर सकते हैं। देन पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज आपको पता है कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि बेटर सैनिटेशन हो गया, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो हमको कैसे मिल रही हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो सारे चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगर जैसे कि अगर अब जोग्राफी का आपको कुछ याद हो कि वहां पर हमने रिसोर्सेस की बात की थी और वहां पर सस्टेनेबिलिटी की भी बात की थी, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें हैं कि अगर हम रिसोर्सेज अगर हम धीरे धीरे जो है कई सारे रिसोर्सेज को यूज करते जाएंगे, उनको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो एक टाइम के आने के बाद क्या है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कैसा प्रोविजन हमें लाना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी का। तो जो डेवलपमेंट भी अगर हो रही है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि डेवलपमेंट के जो चैप्टर है, जो डेवलपमेंट का चैप्टर है, उसमें हम ओवरऑल कौन कौन सी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स होते हैं। ये चीजें आप बहुत पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो है वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और सब मैम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई है, ठीक है, बट फिर भी नाउ फोकस ऑन द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कि हमारे नेशन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें सेक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का। तो जैसे कि हमारा ये वाला टॉपिक है, प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में होता है जो हमारी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं। देन टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना, एक तरह से हम उसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम और डीपली पढ़ेंगे इस टॉपिक में। हाँ, हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, ये जो हमारे तीन सेक्टर्स हैं हाउ डू वी कंपेयर देम, कैसे हम उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो क्या है, डिविजन्स ऑफ सेक्टर, कैसे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, उसको एक कंपनी में कोई नौकरी मिली है, वहां पे काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, एक रूल्स और रेगुलेशन होगा, 9 to 5 की उसकी जॉब होगी, प्रॉपर उसका रूल और रेगुलेशन होगा कि उसके बेसिस पे उसको काम करना है, ठीक है। उसको अगर छुट्टी भी मिलेगी तो उसको पेड लीव मिलेगी, कई सारी फैसिलिटीज उसको मिलेगी, तो वो जो चीजें होती हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, मान लो किसी दुकान में जो है ऐसे काम करने के लिए किसी को रख लिया गया है, तो उससे क्या होगा, उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको क्या होगा, सिर्फ 9 to 5 की इसकी जॉब नहीं होगी, जब मन करेगा उसको बुला लिया जाएगा, जितने भी टाइम के लिए होगा उसको वहां पे काम करना पड़ेगा, अगर उसने छुट्टी ली तो उसकी जो है सैलरी उसमें से काट ली जाएगी। तो ये जो चीजें होती हैं जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन इतने नहीं होते हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, वो हमारा जो होगा वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, ठीक है, वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के टर्म में तो हमने सेक्टर्स को क्लासिफाई किया है, फॉर एग्जांपल पब्लिक और प्राइवेट, जो भी हमारी गवर्नमेंट से जो एफिलिएटेड जो हमारे सेक्टर्स होंगे वो हमारा पब्लिक सेक्टर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया या जो रेलवेज हो गया, ये हमारा पब्लिक सेक्टर में आता है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि कुछ जैसे कंपनीज है हमारे यहाँ पे, रिलायंस की कंपनी है, टिस्को की कंपनी है, ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनकी ओनरशिप कौन है, प्राइवेट हैंड्स में है, ठीक है। तो ये जो हमने क्लासिफाई किया वो कैसे क्लासिफाई किया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, उसको अलग अलग क्राइटेरिया पे उसको क्लासिफाई किया गया है, वो चीजें हम जो पढ़ेंगे वो डीपली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मनी एंड क्रेडिट,
इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मनी और क्रेडिट तो आएगा ही आएगा. मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब आपने देखो थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर पाओगे हिस्ट्री से. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना कि पहले के टाइम पे क्या बार्टर सिस्टम चलता था. कैसे बार्टर सिस्टम चलता था, मान लो मेरे पास गेहूं है मेरे पास और मुझे क्या चाहिए, मुझे शूज लेना है. बट सामने वाले को गेहूं तो लेना है बट उसके पास शूज नहीं है. ठीक है, अब अगर हम तीसरे पर्सन की यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, कि उसके पास उसको शूज तो उसको देना है बट उसके पास क्या है, मतलब क्या उसको शूज जो है उसको देने के लिए तो है बट उसके पास उसको वीट नहीं लेना है. तो ये जो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि क्या है कि जो चीजें हम देना चाह रहे हैं बट हम लेना कुछ और चाह रहे हैं बट वो हमें मिल नहीं सकता है. तो बार्टर सिस्टम जो है हम सामान की अदला बदली करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो गुड्स को एक्सचेंज करके जो है अपनी नीड्स को हम फुलफिल करते थे तो वो हमारा क्या था, वो हमारा बार्टर सिस्टम था. बट अगर हम ऐसे ही चलाते रहते तो बहुत मुश्किल था ना ऐसे सब कुछ चलना. तब अब क्या है, अब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो क्या है, मनी. अब हमको जो लेना होता है वो हम पैसे देते हैं और हमें सामान मिल जाता है. तो इस वक्त क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. क्या अब तो मनी बहुत तरीके से मिलने लगी है ना, जैसे अगर हम कॉइन्स की बात करें, मेटालिक कॉइन्स मनी का फॉर्म है. ठीक है, करेंसी की बात करें, ठीक है, जो हमारे पास नोट्स हमको मिलती हैं, या ये तो एक फॉर्म हो गया. एक हमारा ये फॉर्म होता है कि जो कि हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. कहाँ करते हैं, बैंक में, जो हम मनी को डिपॉजिट कर देते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो भी हमारा एक फॉर्म हो गया. तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, कि बैंक से हम क्या करते हैं, लोन भी तो लेते हैं. तो उसके भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. क्या कहते हैं, देखो लोन लिया गया है तो किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे लिया गया होगा. तो जैसे बैंक जो है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट. क्योंकि आप ऐसे जनरली अगर आप देखो, जैसे कि हमारे आगे के टॉपिक में भी है कि जैसे हम फॉर्मल सेक्टर की यहाँ पे बात करें या इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, पहले के टाइम पे क्या होता था या आज के टाइम पे भी हम देखा जाए कि गांव में ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा अमीर इंसान हो या थोड़ा सा मनी लेंडर टाइप हो, ट्रेडर टाइप हो, तो उससे क्या करते हैं लोग, उससे पैसे वो लेते हैं और वहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोगों से वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. ठीक है, और उसमें कोई वैसा प्रोविजन नहीं होता, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं. अगर ट्रेडर के मन में, अगर उसके अंदर में थोड़ी सी भी बेईमानी है तो वो आपको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेगा. ठीक है, बट अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, जैसे बैंक्स हो गया या कोऑपरेटिव्स हो गए, तो वहां पर ये चीजें नहीं होती. वहां पर क्या होता है, वहां पे आपको फुल रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ही आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है. एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है विद अ गारंटी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का, इसको हम और डीपली समझेंगे. टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, ये वाला हो गया. टर्म्स ऑफ क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो अगर हमने लोन लिया है तो कुछ कुछ उसमें प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि इसमें इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा. ठीक है, उसके बाद क्या है कि कुछ ना कुछ आपको वारंटी के तौर पे देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल. ठीक है, कोई कुछ ऐसा चीज जैसे जो आपका सामान हो, मान लो कभी कोई घर को गारंटी के तौर पे रख देता है, या कुछ जैसे थोड़ी बहुत जमीन हो गई, या जैसे अगर फार्मर्स की बात करें तो अपने लाइफ स्टॉक को ऐसे वो क्या करते हैं, ऐसा गारंटी जो है उनको बैंक में दे दिया जाता है कि अगर हम पैसे नहीं लौटा पाए तो वो इन चीजों से जो है वो अपने मनी की रिपेमेंट जो है वो कर लेंगे. तो ये हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आएगा. जो हमारा लास्ट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये गांव में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि जो वहां की जो महिलाएं हैं वो रोज का बोले तो, या हफ्ते का या महीने का 50 या 100 रुपए सब लोग मिल के क्या है आपस में जमा करते हैं. उसके बाद जब उसका एक अमाउंट जब हो जाता है तो उसी को किसी पर्सन को अगर उस वक्त उस पैसे की नीड है तो उसको एज अ लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे उसको दे दिया जाता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. तो जो आपस में एक कोऑपरेटिव की तरह जो है लोग एक दूसरे के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, वहां पे जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप में आएगा. ठीक है, और जब एक बहुत थोड़ा सा टाइम हो जाता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को बने हुए और वहां पर क्या है लोन एक्टिविटीज जो है प्रॉपरली जो है चलती हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या है जो है बैंक भी उनको लोन जो है प्रोवाइड करने लग जाता है. तो ये चीजें हम और डीपली में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो मनी और क्रेडिट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. जो हमारा लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी,
कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही दो टॉपिक है पढ़ने के लिए। चैप्टर हमारा पूरा है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के परस्पेक्टिव से हमको सिर्फ यही दो टॉपिक जो है, यही दो सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। पहला क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब आप आज के टाइम पे देख रहे होगे कि हम यहाँ पे भी बैठ के बाहर भी किसी देश से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या है, एक इंटरकनेक्टनेस बन चुका है विद डिफरेंट कंट्रीज। हमारे यहाँ क्या है, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। एक तरह से जो है आपस में सब बहुत कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत क्लोज हो चुके हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये किसकी वजह से हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पहले क्या होता था, पहले जो अगर हमको कुछ मैसेजेस मिलते थे वो कैसे, अगर पोस्ट ऑफिस, तो देखो आज के टाइम पे भी है, वो चल रहा है, बट अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पुराने टाइम की थोड़ा सा बात करें कि पहले क्या होता था पास्ट में, कि कोई अगर एक लिफाफा भी कहीं पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा उनको टाइम लगता था, देरी से वो पहुंचता था। बट आज हम तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, तुरंत वो दूसरे तक वो मैसेज पहुंच जाता है विद इन अ सेकेंड, पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल लें, तो पहले फैक्स के थ्रू जो है वो चीजें हमें मिला करती थी, वो हमको मैसेजेस मिला करते थे, बट अब इलेक्ट्रॉनिक मेल का सिस्टम है, ठीक है, हम ईमेल तुरंत कर सकते हैं, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बुक में आपको मैं चाह रही हूँ कि बता दूं, कि ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बार, ग्लोबलाइजेशन जो हमारा ये चैप्टर है, यहाँ से शुरू है, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है। तो ये चीजें आपको देखो नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता दे रही हूँ डिटेल में, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये वाला पेज भी नहीं आएगा, देन ये वाला पेज भी नहीं आएगा, उसके बाद देखो ये वाला पेज भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो आप पहले कौन सा टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का, देखो ये व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसको आप ध्यान से एकदम देख लो कि ये वाला जो पेज है इस टॉपिक से ही आपको रीड करना है, इस टॉपिक से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पेज भी है, देखो फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यहाँ तक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाला एक पेज हो गया, आप एक बार ध्यान से इसको आप देख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ तक देख लो, टोटल आपके इतने पेजेस हैं जो आपको पढ़ना है, एक ये हो गया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद वाला ये पेज हो गया, उसके बाद ये वाला पेज हो गया, देन ये वाला हो गया, और बस, ठीक है, बस आपको तीन चार पेजेस ही पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं। तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, यही दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन्हीं दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने पहला जो चैप्टर देखा वो कौन सा चैप्टर देखा, पहले हमने डेवलपमेंट का चैप्टर देखा, ठीक है, उसके सब टॉपिक्स को हमने थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा जो हमारा चैप्टर था वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी था, तीसरा मनी एंड क्रेडिट था, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर था। तो मेनली यही चार चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है, और जिसमें आपको सब टॉपिक पढ़ना था वो भी हमने आपको क्लियर करा दिया। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि बस हम इतना ही पढ़ा के पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स खत्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आपके लिए जो लेक्चर है ये सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप डिटेल में एक एक चैप्टर को, जब आप डिटेल में उसको देखो, उसको समझो, उसको सुनो, तब आप क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ, तब आपके दिमाग में ये आए कि हाँ मैम ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक के बारे में या इस टर्म के बारे में हमें जरा सा कुछ ना कुछ तो पता है, क्लियर। और मान लो एट द टाइम, एट द लास्ट मोमेंट अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हुई कि आपको जस्ट ये आपको सिर्फ देखना है कि इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, विद इन अ मिनट्स आपको अगर सब कुछ रिकॉल करना है, तो उसके लिए भी ये जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम में लास्ट रिविजन सिर्फ आप 10 मिनट का रिविजन करना चाहो तो वो इसके लिए काफी है, इतने के लिए क्या है ये
सफिशियंट है। बाकी जब हम जब डिटेल आपका लेक्चर लेंगे तो वन शॉर्ट सीरीज लेंगे, ताकि आपका विद इन 25 या 30 मिनट्स में आपके सारे चैप्टर्स को हम क्लियर कर सके, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर सके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सके। उसके बाद हम आपकी पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम पे जाके एकदम बढ़िया सा एग्जाम दे के आना है। तो ठीक है, तब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।